कोलवा, प्राकृतिक सौंदर्य का अप्रतिम नज़ारा। जो नज़ारा आज यहाँ पर है, ये नज़ारा बहुत कम ही दिखाई देता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये बताइए, यहाँ पर आपने जो ये दृश्य देखा, क्या लग रहा है आपको? ये दीवा से बहुत अच्छा दृश्य ये कोलवा काल का लग रहा है। बताइए जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। आ जाइए। प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम नज़ारा पूर्वा में। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो पूर्वा घूमने हैं। आज छुट्टी का दिन, छुट्टी के दिन के बाद सबसे बड़ी बात, रीवा में इतनी बारिश काफ़ी अरसे बाद देखी गई। हालांकि 2 साल बाद इस तरीके की बारिश हुई। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। ये बताइए, आपने इस तरीके का नज़ारा इसके पहले कब देखा था? मुझे तो कुछ याद नहीं है ये कब देखा था, लेकिन इस बार तो ये गजब का है। ऐसा दृश्य तो मुझे याद है कल बेड़ा घाट में देखा होगा, उसके बाद तो रीवा में पहली बार। बताओ बेटा, कैसा लग रहा है ये सब देख के? पूरा और रीवा की शान है, हमें गर्व होता है कि हम रीवा से हैं। पूर्वा रीवा की शान है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही ये बात बताई थी कि भेड़ा घाट को लोग याद करते हैं इस फाल को देखने के बाद, ठीक वैसा ही दृश्य यहाँ पर भी दिखाई दे रहा। जिस तरीके से पानी कहाँ गिर रहा है, किस तरीके से गिर रहा पता ही नहीं चलता, ठीक वही जो भेड़ा घाट में नज़ारा, वही नज़ारा आज पूर्वा में भी देखने में नज़र आ रहा है। आपने जबलपुर का नाम तो सुना होगा, जबलपुर के धुआंधार का नाम सुना होगा, लेकिन ये जो नज़ारा आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नज़ारा जबलपुर का नहीं है। जी हाँ, ये नज़ारा है पूर्वा फाल का। पूर्वा फाल में इस समय जो माहौल है, जिस तरीके का पानी यहाँ पर गिर रहा, वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जबलपुर का जो धुआंधार है वो अपने आप में कहीं उससे ये दृश्य किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है। जैसा कि इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नीचे पानी कहाँ गिर रहा है, किस तरीके से गिर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। नीचे से जिस तरीके से पानी की बौछार ऊपर आ रही, केवल और केवल वो समझ में आ रही पानी कितनी ऊंचाई पे गिर रहा, इस बात का अंदाज़ा कतई नहीं। हालांकि मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाऊं, इस समय आज पूर्वा में काफ़ी भीड़ है। छुट्टी का दिन, ऊपर से बारिश का मौसम, लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जिस तरीके से यहाँ पर आज छुट्टी के दिन लोग एकत्र हुए हैं और बारिश का नज़ारा देखने के बाद उससे भी शानदार दृश्य को देखने के लिए आज यहाँ लोग मौजूद हैं, जो अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है पूर्वा क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, क्यों यहाँ लोग इतने लोग आते हैं। हालांकि रीवा के आसपास इस तरीके के कई फाल हैं, लेकिन ये जिस तरीके से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा दृश्य है जिसको बार बार लोग देखना चाहेंगे और अपने मोबाइल पे इस दृश्य को समेट कर रखना भी चाहेंगे। वासियों के लिए आज का दिन पिकनिक के लिए बड़ा बेहतर था। काफ़ी अरसे बाद बारिश हुई थी, जिस तरीके से पूर्वा में नज़ारा था वो अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त था कि जबलपुर के भेड़ा घाट से भी एक ज़्यादा सुंदर जगह हमारे रीवा में मौजूद है। साथ ही जिस तरीके से हमने वहाँ नज़ारा देखा, उसकी कल्पना हमने भी नहीं की थी, शायद आपने भी नहीं की होगी। अपने टीवी स्क्रीन पर आपने जो दृश्य देखे होंगे वो अपने आप में निश्चित रूप से अद्भुत रहे होंगे। न्यूज़ नेटवर्क टीम के लिए मैं जावेद अंसारी, पब्लू के साथ।